तो अभी हम जो आ गए हैं करनी माता के मंदिर, और यहाँ पे आने के लिए मैंने जो है बीकानेर से देशनोक की बस ली थी, और उस बस ने जो है मेरे को यहाँ पे उतारा। तो जो किराया लगा मेरा 40 रुपये किराया लगा बस का। तो अभी हम जा रहे हैं करनी माता के मंदिर। तो ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको चूहे ही चूहे देखने को मिलेंगे, और ऐसा माना जाता है अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो वो बहुत लकी होता है आपके लिए। और ये एंट्रेंस है करनी माता के मंदिर का। आरती कितनी देर होगी? 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद ही? अरे यार थोड़ी चेता को तो बोला। चूहा जो है गणेश जी की सवारी भी है। सफेद चूहा ढूंढ रहे हो क्या? है अच्छा, जो है श्री करनी म्यूजियम है, और उससे खुलने की जो टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है, और जो करनी माता के मंदिर की खुलने की टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला होता है। तो अभी जो है हम श्री करनी म्यूजियम जाएंगे। तो ये जो है करनी म्यूजियम है, और आपको 5 रुपये की यहाँ से टिकट है, और इसकी रसीद भी मिलेगी आपको। आप देख रहे हो ये जो है करनी माता का म्यूजियम है। तो इस पर जितनी फ़ोटो लगी हुई है इसमें आपको करनी माता के चमत्कार, उनसे उनके जन्म से रिलेटेड पिक्चर दिख जाएंगी आपको। तो यहाँ पे जो है लिखा गया है जो करनी माता का जो जन्म हुआ था वो 20 सितंबर 1387 को हुआ था, और जो उनकी शादी हुई थी वो बिट्टू देवपा जी के साथ हुई थी। और ये नीचे लिखा गया है कि कैसे करनी माता ने अपनी कृपा रखी है और लोगों के ऊपर, जैसे राव रीडमल के पुत्र राव जोधा के जोधपुर दुर्ग की नींव रखी थी। तो जब शादी हुई थी करनी माता की, जो देवपा जी इनको साथ में लेके जा रहे थे, तो इनको पानी की प्यास लगी थी, तो जो करनी माता ने अपना चमत्कार दिखाया और जो घड़ों को जो है खाली घड़ों को पानी से भर दिया था, और जो निर्जल मरुस्थल था वहाँ पर जो है भरा सरोवर दिखाया था। तो ये इसकी फ़ोटो है जो आप देख रहे हो सामने, ये माता गणेश। और इधर जो है करनी माँ की आरती लिखी हुई है। दोस्तों ये दिखा रखा है यहाँ पे जो जगड़चाक तो जो जलपोत था उसको करनी माता ने डूबने से बचाया था। दोस्तों यहाँ पर जो है बता रखा है जो करनी माता जी के पुत्र थे तो उनका नाम लाखन था, तो वो जो है कोलायत तालाब में डूब गए थे। तो जो करनी माता ने धर्मराज के पास जाकर जो है
अपना पुत्र को वापस लेके आई थी, तो ये उसकी पिक्चर है। काबा यहाँ की लोकल भाषा में छोटे बच्चे को काबा कहा जाता है। अच्छा, ये माता जी के बच्चे हैं, ये काबे हैं, ये क्यों? अपकरणी माता ने अपने पुत्र को लाई थी यमराज से, वो कोलायत की तड़प में नहाने के डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। अब माता उसे लेने के लिए यमराज के पास गई थी, तब यमराज ने कहा भाई इसको तो ले जा रहे हो, कल को और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे तो उनका क्या होगा? तो करणी माता का मेरे जो वंशज है वो अब आपके पास नहीं है। अब इनके फैमिली के यहाँ 5,000 लोग इस गांव के अंदर, अच्छा, हम भी इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब जैसे उस परिवार में एक आदमी की डेथ होती है वो काबे के में जन्म यहाँ चूहों को काबा का जाता है, काबे मरते हैं फिर हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। ये माता जी के वंशज है, इनके बच्चे हैं, ये 500 सालों से ऐसा चलता रहा है इसीलिए मरते हैं। एक तो आपने छोटे बच्चे को नहीं देखा होगा, मंदिर में इतने नहीं देखा, छोटा बच्चा बाहर नहीं, एक स्मेल नहीं आती है, मर जाते हैं ना, एक चूहा मर जाए तो 1 किलोमीटर तक स्मेल आती है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि फिर हमारे तो मौज ही मौज है, हम तो कितने ही कुकर्म करो मरेंगे तो यहाँ और यहाँ से वापिस माधव योनि में, यहाँ स्वर्ग नरक सब बने हुए हैं, जो बाहर रहते हैं ना वो बाहर ही रहते हैं, जो अंदर प्रसाद खाते हैं दूध पीते हैं वो। अब आपके दिमाग में आया कि मैं पूछ पकड़ के इसको छोड़ दूं अंदर, ये अंदर चला जाए वो इसको मार दे, वापस बाहर मार दे। और इन्होंने जो काबे के बारे में कहा है ना, तो करणी चालीसा में है, धर्मराज ने जब हट कीना निज सुत को जीवित कर लीना, ताई समय मर्याद बनाई, तुम पे मम वंशज नहीं आई, मूषक बन मंदिर में रही है और मूषक ते पुण्य मानुष बनी नहीं। अच्छा, ये यहाँ का इतिहास है और भगवत की बड़ी कृपा है, बड़ा चमत्कार है, लूट खसोट नहीं है, इस मंदिर से कई ट्रस्ट चलते हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है, सामाजिक कार्य हो रहे हैं, विधवा पेंशन दी जाती है, कई गौशालाएं हैं, ट्यूशन पढ़ाई जाती है, कोचिंग सेंटर है, और समय समय पर कोई भी जैसे प्राकृतिक विपदा हो आपको कहते हैं, और सोशल वर्कर भी मंदिर करता रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मतलब वो जो सफेद चूहा होता है वो सफेद चूहे तो माता के चमत्कारों से बनते हैं, ये पूरे मंदिर में 5 है, पूरे मंदिर सिर्फ 5 ही है, एक दिखो 507 दिखे में तो उतने ही है, ये बाहर अंदर कहीं भी नजर आ सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक भी नहीं है, उसे देखना बहुत ही अच्छा। एक तरह से अप्रत्यक्ष में देवी का रूप है, देवी के दर्शन मान लो, भाग्यशाली को दर्शन होते हैं, काबा दिखाना इसका मतलब अपरोक्ष रूप से करणी जी ने आपको दर्शन दिए है, और बाकी सब कुछ मूर्ति है, एक अंधे कारीगर ने यह बनाई है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। अच्छा, जो अंदर मंदिर में रखी हुई है।